हिमाचल के निचले क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित दबंग भू माफियाओं द्वारा झूठे हजन एक्ट में फंसाई जाने की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। यहां उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस व्यक्ति का नाम राजेश तिवारी है। पीड़ित तहसील किसनी क्षेत्र का निवासी है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ग्राम कुंदनपुर ग्राम सभा ऊंचा इस्लामाबाद निवासी अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखने वाला शोभा राम दबंग व भू माफिया है। उसने ग्राम सभा की जमीन पर 7 पक्की दुकानें बना रखी है, जिनको गुंडागर्दी के बल पर आया था और उनको किराए पर उठाकर हजारों रुपए किराया वसूला जाता था, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा तहसील में की गई तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और तहसील द्वारा जांच कराने के बाद इन दुकानों को अवैध पाया गया। इसके बाद तहसीलदार द्वारा दुकानों को ध्वस्त कराने का नोटिस भेजा गया, जिससे बौखलाए भू माफिया राजकुमार पीड़ित को झूठे SC ST एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है और प्रार्थना पत्र भी दे रहा है। पीड़ित ने SP को शिकायती पत्र देते हुए क्या कुछ बताया है, जरा आप ही सुनिए। मेरा नाम राजेश तिवारी है। क्या समस्या SP साहब शिकायत करने आए? SP साहब शिकायत करने आए हैं कि मेरे गांव में एक राजकुमार जाटव पुत्र शोभाराम जाटव, इसने ऊंचा इस्लामाबाद में सरकारी जमीन पर पूरा मार्केट बना रखा है। इसकी हमने शिकायत की, शिकायत में जांच हमारी शिकायत में सही पाई गई और इसके खिलाफ जो है तहसीलदार किसनी ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया कि दुकानें तुम्हारी ध्वस्त कराई जाएंगी। अब ये हमें जो है जान माल की धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि हम तुम्हें अर्जेंट एक्शन फंसाएंगे। इसके खिलाफ़ मैंने कई प्रार्थना पत्र दिए, अभी तक उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कप्तान साहब से कहना है कि ये और इसके गिरोह में कितने भी जो लोग हैं जो सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। SP साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी जो है विधिवत निष्पक्ष जाँच कराई गई और कार्रवाई होगी।